enthalpy of isomerization. Next is enthalpy of isomerization. Now, what do you mean by isomerization phenomena? Isomerization means transformation of one isomer into another. Now, enthalpy of isomerization is the change in enthalpy when one mole of an isomeric compound gets converted into another isomer. For example, this is N-butane. This is N-butane. This N-butane gets into isobutane. This is isobutane. Now here an isomer of butane is getting converted into another isomer of butane. N-butane is getting converted into isobutane. This is termed as isomerization. And enthalpy change during this phenomena is termed as enthalpy of isomerization. When one mole of N-butane gets converted into one mole of isobutane, the change in enthalpy during this phenomena is termed as enthalpy of isomerization. Now, enthalpy of isomerization have got some implication. Isse kuch inference draw kara ja sakta. We used to say, if enthalpy of isomerization is a negative value, it means if the phenomena is exothermic, it means if heat is being liberated, it means that we are obtaining a more stable isomer. For example, यह जो मैंने isomerization phenomena लिखा है, इसकी वाकई में enthalpy negative. इस enthalpy of isomerization का negative होना, इसका मतलब है कि यह एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है. इसका मतलब है हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना. इसका मतलब है आइसोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन एन-ब्यूटेन. इट इंप्लाय दैट आइसोब्यूटेन इज मोर स्टेबल than N-butane. By looking at enthalpy of isomerization, we used to conclude that which isomer is more stable. We used to say when we obtain more stable isomer, heat is always released. Its exothermic phenomena, enthalpy of isomerization would be negative value. Or, यदि किसी isomerization phenomena की enthalpy positive है, इसका मतलब कोई isomerization phenomena में heat absorb हो रही है, वह endothermic phenomena है, इसका मतलब we are obtaining less stable isomer. उसमें stability is getting decreased. This is enthalpy of isomerization. This is the conclusion of enthalpy of isomerization.
एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन को देखकर हम यह बात कंक्लूड करते हैं कि कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा आइसोमर कम स्टेबल है. नाउ आफ्टर दिस एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन द नेक्स्ट इज द फेनोमेना ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी वी डिनोटेड बाय IE और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. देखिए सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन. दिस इज आयोनाइजेशन. मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, आयोनाइजेशन इज रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम. दिस इज अ आइसोलेटेड गैशियस एटम. M, M कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस है. इधर मैंने G लिख दिया, मींस इट्स इन गैशियस स्टेट. नाउ दिस इज अ आइसोलेटेड गैशियस एटम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड. आइसोलेटेड शब्द का मतलब है इट्स फार फ्रॉम एनी अनदर एटम, इट्स फार फ्रॉम एनी अनदर सब्सटेंस. इसे हम आइसोलेटेड कहते हैं. दिस आइसोलेटेड गैशियस एटम. आइसोलेटेड गैशियस एटम मतलब एक ऐसा एटम जो बाकी सभी से काफी दूर है, इसके आसपास इसके करीब कोई भी दूसरा और एलिमेंट नहीं है, कोई भी दूसरा और एटम नहीं है, या कहिए कि दूर दूर तक इसके आसपास कोई नहीं दिख रहा. ऐसे सब्सटेंस को हम आइसोलेटेड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हियर आई एम आइसोलेटेड इन माय स्टूडियो. मेरे स्टूडियो में मैं आइसोलेटेड हूं, मेरे आसपास इस समय कोई भी नहीं. क्लास में आप लोग जब बैठे हो तो आप लोग आइसोलेटेड नहीं हो. यू आर इन द ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड यू. आपके चारों तरफ ढेर सारे लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मगर मैं आइसोलेटेड हूं. दिस इज आइसोलेटेड गैशियस एटम. इस आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर हम बाहर ले जा रहे हैं और उसको इंफिनिटी पर कर दे रहे हैं, और इस तरह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं. दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन इज रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम. आयोनाइजेशन इज रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हम कहते हैं इन ऑर्डर टू कैरी दिस फिनोमेना, इन ऑर्डर टू डू दिस वी नीड टू पुट सम एनर्जी इन टू इट. हमें कुछ एनर्जी देना होती है. जब हम एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे, उसको इन्फिनिटी पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी उसको देना पड़ेगी. बिना एनर्जी दिए आप इलेक्ट्रॉन को खींचकर इन्फिनिटी तक नहीं ले जा सकते. नाउ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज द एटम इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी नीडेड
to ionize the atom by pulling an electron from the outermost orbit of isolated gaseous atom. Ionization energy is defined for ionization energy is defined for an atom. Ek atom ke liye define hota. It's given in electron volt. Dhyan rahe, electron volt is a unit of energy. It's a unit of energy. Electron volt ek energy ki unit hai, and one electron volt is always equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. For example, sodium ko jab hum ionize karte hain, this is the ionization phenomena of sodium, and its ionization energy is 1.1 eV. Sodium ke outer, this is isolated gaseous sodium atom. Yeah, isolated gaseous sodium atom hai. Is isolated gaseous sodium atom se humne ek electron ko infinity tak le gaye aur sodium ion bana diya. Now this is ionization phenomena of sodium. Now in order to do this job, we need to put 1.1 electron volt of energy. Ek sodium atom se इलेक्ट्रॉन को खींचकर उसको सोडियम आयन बनाने के लिए हमें उसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होती है एक सोडियम एटम से. वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस पर जूल्स. अब मैं डिफाइन करता हूं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में छोटा सा फर्क है. आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर वन एटम. एक एटम को आयोनाइज करने में जो एनर्जी देना पड़ रही है वह आयोनाइजेशन एनर्जी है. व्हाइल एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज डिफाइंड फॉर वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. एंथैल्पी ऑफ ionization is defined for one mole of isolated gas atom. इसका मतलब जब एक मोल isolated gaseous atom लिया जाए और इस एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम से के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को खींचकर आयंस बनाए जाए तो उस दौरान जो भी कुछ एनर्जी चेंज होती है जो भी कुछ एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज टर्म्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. इट्स ऑलवेज गिवन इन किलो जूल्स पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल. इसको हम हमेशा किलो जूल्स पर मोल में देते हैं या फिर किलो कैलोरीज पर मोल में देते हैं. तो चलिए फिर इसी बात पर हमारा सवाल है. सोडियम के लिए हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी लिख दी है. ध्यान रहे ये हमेशा एक एंडोथर्मिक फिनोमेना होता है. इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है. हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी हमको देना पड़ती है.
यह एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है हमेशा, मतलब जब भी आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जो मेरा सवाल है, सोडियम के लिए हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी लिख दी है, एंड दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इंफॉर्मेशन का यह मतलब है कि यदि हम एक सोडियम का एटम ले, एक सोडियम का आइसोलेटेड गैसियस एटम ले और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालें, उसको सोडियम आयन में कन्वर्ट कर दें, ड्यूरिंग दिस फिनोमेना वी नीड टू पुट इनटू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इनटू दिस सिस्टम, एक एंडोथर्मिक फिनोमेना, इतनी एनर्जी हमको देना पड़ेगी। With this information provided to you, now tell me what is enthalpy of this reaction, means what is enthalpy of ionization? मतलब मैं पूछ रहा हूं कि अब यदि हम एक मोल गैसियस सोडियम एटम ले और एक मोल आइसोलेटेड गैसियस सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालें, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालें और इस तरह से एक मोल हम सोडियम आयन बनाएं, तो इस फिनोमेना में एंथैल्पी चेंज क्या होगी? ध्यान रहे, यू नीड टू आंसर इट इन किलो जूल्स पर मोल और किलो कैलोरीज पर। देखिए, अब हम ऐसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले एक मोल जब हम सोडियम एटम लेंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे? वन मोल ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, वन मोल ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। एक सोडियम एटम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कंज्यूम करता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.1 इंटू 10 टू दी इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, दिस मच जूल्स ऑफ एनर्जी वुड बी एब्सॉर्ब बाय वन सोडियम एटम। एक सोडियम एटम इतने जूल्स एनर्जी एब्सॉर्ब करता, 1.1 ईवी दे रखा है और 1 ईवी की जगह मैं लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, तो 1 ईवी की जगह 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। एक सोडियम एटम इतने जूल्स एनर्जी लेता, मगर वहां पर एक मोल सोडियम एटम है, एक मोल सोडियम एटम मीन्स देयर आर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम वुड एब्सॉर्ब दिस मच एनर्जी। नाउ दिस एनर्जी इन जूल्स, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं। नाउ दिस बिकम्स किलो जूल्स एंड दिस इन किलो जूल्स पर मोल, सिंस इट्स एंडोथर्मिक फिनोमेना हैज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। हाँ जी, बिल्कुल 106.15 किलो जूल्स पर मोल, दैट्स करेक्ट। दिस इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। बड़े ध्यान से देख लें, आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस देख लें, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, दोनों में डिफरेंस को देखें, फिनोमेना सेम है। फिनोमेना के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो सेम है, यही इक्वेशन हम आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते समय भी लिखेंगे और यही इक्वेशन हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को भी डिफाइन करते हुए लिखेंगे। फर्क क्या रहेगा कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे तो सिर्फ एक एटम के लिए एनर्जी चेंज लिखेंगे और इसकी यूनिट हमेशा होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटम जब आयोनाइज होता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
और जब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डिफाइन करेंगे तो हम एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम लेंगे और इसकी यूनिट होगी हमेशा किलो जूल्स पर मोल में या किलो कैलोरीज पर मोल में। इसमें कन्वर्जन को बड़े ध्यान से समझ लें, बड़ी आसानी से कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे सोडियम के लिए मैंने सिखाया कि सोडियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी गई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको हम कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले हमने जूल्स में कन्वर्ट करा इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके, फिर जूल्स, नाउ दिस इज एनर्जी इन जूल्स पर एटम, एक एटम को आयोनाइज करने में इतनी एनर्जी जूल्स में लगेगी, एक मोल को आयोनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी, फिर जूल्स को मैंने 1000 से डिवाइड करके किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, नाउ दिस एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल, इसको हमने एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहा। नाउ अब मैं एक और कंसेप्ट डिफाइन करता हूं, यह कंसेप्ट भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीख रखा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी देख रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब डेफिनेशन सुने, इट्स एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है एक्स, दिस इज एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, बाहर से इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं और इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं और इस पर एक्स नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। इट्स एनर्जी रिलीज्ड इन दिस फिनोमेना, इट्स एनर्जी रिलीज्ड इन एडिंग, इट्स ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड, इट्स energy released when an electron is added in outermost orbit of isolated gaseous atom. Once again, it's also given an electron volt. Always given in electron volt. इधर once again यह बात फिर वापस दोहराता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ फिर मेरा एक सवाल है, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if electron affinity of chlorine is 1.7 electron volt, क्या आप मुझे इसी समय इस रिएक्शन की एंथैल्पी बता देंगे? What is enthalpy of this reaction? Based on this information, determine and tell me what is the enthalpy of this reaction? If electron affinity of chlorine is 1.7 electron volt, so this reaction ki enthalpy kya hogi? Now, enthalpy of this reaction means when we take one mole of isolated chlorine gaseous atoms. If we take one mole of isolated chlorine gaseous atoms, means if we take Avogadro's number of isolated chlorine gaseous atoms,
And if they are added with electrons to give you chloride ions, then what would be the enthalpy change during this phenomenon? 164.05. एक गलती कर गए. मैंने यह बात बोल रखी है. It's energy released. तो माइनस साइन लगाना मत भूलो. देखिए, बिल्कुल सही. अब बिल्कुल सही कहा आपने. देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज्ड लिखा हुआ है. इसका मतलब जब हम इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन लाकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जोड़ते हैं तो वह एक एक्सोथर्मिक फिनामना है. और यदि वह एक एक्सोथर्मिक फिनामना है तो एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. तो इस एंथैल्पी को लिखते समय माइनस साइन जरूर लगाएं, इसे भूले नहीं. अब एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमने 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कर दिया. अब एक क्लोरीन एटम में जब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इतने जूल्स एनर्जी वहां से रिलीज हो जाएगी. एक क्लोरीन एटम के द्वारा इतने जूल्स एनर्जी वहां से रिलीज हो जाएगी. मगर हमने एक मोल क्लोरीन एटम लिए हैं, मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोरीन एटम लिए. एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोरीन एटम से रिलीज होने वाली एनर्जी इतनी हो जाएगी. नाउ दिस इज एनर्जी इन जूल्स. ये जो एनर्जी लिखी गई है जूल्स में लिखी गई है. इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो यह किलो जूल्स पर मोल हो गई. नाउ दिस इज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन. क्या आप कैलकुलेट करके बताओगे क्या आया प्लीज? माइनस 164 ही चलेगा, माइनस 164 किलो जूल्स पर मोल. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आज के दिन, आज के लेक्चर में मैं यहीं तक कराता हूं. आज जो मैंने आपको सिखाया है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वंस अगेन इन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड मैं दोबारा कुछ असाइनमेंट देता हूं. और मैं मेरे अगले लेक्चर में शायद थर्मोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है इसको पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा, डेफिनेशन पार्ट को पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा और फिर थर्मोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट समझाने लगूंगा. आज के दिन, आज के लेक्चर में इतना ही कराता हूं. गुड बाय. Good night.